फर्स्ट टाइम जो ना हम इंडिया के केरला वाले होटल पे खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। ये बीफ मसाला है और ये मटन बिरयानी। इसके अंदर मटन जो है ना इसके अंदर छुपाया है, ठीक है, जब हम खाएंगे ना तब निकलेगा मटन बाहर। और ये आ गया भाई टिक्का बोटी, इसमें चिकन टिक्का बोटी है, ठीक है। दोनों की प्राइस है बता के ना एकदम दिल्ली हिला के रख दी है। कितने का दादा, ये कितने का? कथा तक आवाज जाएगा, हमें तो 300 टका से 1 रुपया कम नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूँ साजिद रहमान और मेरे साथ हैं आमिर भाई। और आज हम लोग मौजूद हैं भाई सऊदी अरब के शहर जद्दा में। तो प्लान है कुछ के हम लोग ना शॉपिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा जद्दा की रौनक, ठीक है। हल्की हल्की बारिश हुई है और माशाल्लाह जद्दा का मौसम वैसे जो है ना बहुत गर्म होता है, लेकिन बारिश होने का ये फ़ायदा हुआ है कि मौसम चेंज हो गया, मज़े वाला मौसम हो गया माशाल्लाह। तो शॉपिंग करने का मज़ा आएगा, खाने पीने का मज़ा आएगा इस वीडियो में। क्या अमर भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारा इरादा है कि हम लोग ना परफ्यूम वाली दुकान पर जाएँ और वहाँ से कुछ हमने परफ्यूम खरीदने अपने लिए और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कैसे जो है ना हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे आज की। तो चले आ जाए हमारे साथ और आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हम आ गए हैं कंबल वाली दुकान पे। आमिर भाई कह रहे हैं कि कंबल लेना है, ठीक है, तो पहले हम कंबल लेंगे। देखिए काफ़ी सारी किस्मों के इनके पास कंबल लगे हुए हैं, पूरी कंबल की जो वैरायटी है ना इनके पास लगी हुई है। तो यही जो है ना यहाँ के जद्दा में जो है ना थोड़ी सी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और अच्छी चीज़ मिलती है, इसलिए हम लोग स्पेशली जद्दा में आए हुए हैं। और ये आमिर भाई डीलिंग कर रहे हैं और अच्छा सा कंबल निकलवा रहे हैं। ये वाला कंबल है ना ये मेड इन स्पेन बता रहे हैं और इसका वज़न है 8 किलो, ठीक है, क्योंकि अपने जो औरतें लोग कंबल देखते हैं वज़न देखते हैं कि वज़न कितना है। तो अभी दूसरा हमने निकलवाया ये मेड इन कोरिया, ये देखिए 220 रियाल बता रहे हैं वो, चीज़ अच्छा है। अब मेरा को थोड़ी पैसे देगा, ये कलर तो थोड़ा प्यारा लग रहा है अमर भाई, ये भी कलर अच्छा है वो भी। दादा थोड़ा सा खोल के दिखाएं थोड़ा, ये देखिए भाई अमर भाई ने एक और कंबल निकलवाया, ठीक है, इसमें एक ही कलर है, मेहरून कलर है ये, ठीक है। तो ये जो ना अमर भाई को पसंद आया लेकिन बहुत ज्यादा है। दोनों की प्राइस है बता के ना एकदम दिल्ली हिला के रख दी है। कितने का दादा, ये कितने का? कथा तक आवाज जाएगा, हमें तो 300 टका से 1 रुपया कम नहीं देगा। ये भाई 320 रियाल का बताया, ये कहाँ का? ये भाई को ऑफर में दिया था, भाई को बोला ऐसे ऐसे जितना बार उठा सकते ये 340। हाँ जी, ये भाई ने अगर 340 बार उठा सकते है भाई को ये कंबल ने ऑफर दिया। उसने कहा जी कि ये जो है ना कंबल, जो भी कंबल जो आप लेना चाह रहे हैं अगर जितने उसको आप ऐसे डम्बल करेंगे, ठीक है, डम्बल उतने आपको पैसे कम होंगे। ये कंबल लिया और साथ में जो है इन्होंने गिफ्ट दिया हमें तकिया। नाम बोले अपना, अपना नाम बोले भाई, यूट्यूबर है आपको, दुकान का नाम बोले। हमारा दुकान का नाम बिना पीप, मेरा नाम मीनार हुसैन, ठीक है, मनीर हुसैन। हाँ मीनार हुसैन की दुकान है भी ये, ठीक है, जद्दा बलद के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया भाई, कोऑपरेट किया कि आपकी सोच है। हाँ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया भाई। आमिर भाई भाई लगे हुए हैं कुछ स्पेसिफिक शॉप्स ढूंढने में, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद आए हैं जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं, ठीक है। जो शॉप आज से साल डेढ़ साल दो साल पहले जहाँ पे हुआ करती थी आज वहाँ पे नहीं है, ठीक है, या तो कुछ ख़त्म हो चुकी हैं या वहाँ पे मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, कुछ डेमोलिशन हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने मतलब गिरा दी हैं दुकानें। तो ये इधर ये अब यहाँ पर पता नहीं क्या है जी, यहाँ पे देखें इस तरह से भाई धड़ाधड़ जो है ना दुकानें सजाई हुई हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरफ शूज़ लगे हुए हैं और ये देखें भाई ड्राई फ्रूट माशाल्लाह। देखें सऊदी अरब में किस तरह से ड्राई फ्रूट की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, ये देख रहे हैं आप। और अभी आ गए हम दूसरी तरफ, आमिर भाई ढूंढ रहे हैं मोदी परफ्यूम, ठीक है, वहाँ से क्या है कि आप ना अपनी मर्ज़ी का जो कोई भी उनको ब्रांड बताएं, जैसे जो एक्सपेंसिव ब्रांड है ना परफ्यूम के अंदर जो लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं उनको पता होगा, तो आप उनको बस
बोले कि हमें ना इस तरह का परफ्यूम चाहिए, तो वो लो प्राइस में ना आपको बना के देंगे और बिल्कुल उसी तरह की खुशबू, उसी तरह की जो है जैसे ओरिजिनल होते हैं, बस फर्क क्या है कि वो थोड़ा सा लो रेट में होते हैं, ठीक है, कम प्राइस में होते हैं। ये देखिए भाई, ये ब्लू दी, ठीक है, ब्लू दी जो ना शनाल, ये बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम जो ना इसी का जो ना कॉपी बनवा के वो चेक करेंगे, स्मेल करके, तो पहले हम बनाएंगे ये बेस, उसमें देखें वो कितनी डाल रहे हैं, जरा एक बार दिखाएं इधर से, ये देखिए इस तरह मिक्सिंग करते हैं, ये देखें, अब उसको चेक करें, अब ये चेक करवाएंगे हमें। एक जो है ना इन्होंने हमारे लिए तैयार कर दी है, वो कौन सा, ये ब्लूदी शनाल, ये देखें, ठीक है। आमर भाई अभी ग्लासेस पसंद कर रहे हैं भाई, शॉपिंग करते करते जो ना जो चीज़ हमें पसंद है कि हमने वो ले ले ली है, कोई हमारा प्लान नहीं है, क्या लेना है हमारे, इधर करें ना जरा बम्बू, नहीं नहीं बम्बू, अच्छा अभी कौन सी आ रही है, ये वाली ब्लू किधर रखी, ब्लू ब्लू जो ब्लू, ये मेरे पास, ये देखा है ना जरा, ये बताएं फिर इसका। ये भाई आया हमारा ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो ना हम इंडिया के केरला वाले होटल पे खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। ये बीफ मसाला और ये रहा हमारा मटन बिरयानी, इसके अंदर मटन जो है ना इसके अंदर छुपाया है, ठीक है, जब हम खाएंगे ना तब निकलेगा मटन बाहर। ये साथ में इनके, ये इनकी बड़ी खूबसूरती है, साथ में ना अचार भी देते हैं, ठीक है, और ये साथ में रहता भी है, ये स्पेशल रोटी यहाँ की, ओए होए होए, ये रोटी है, और ये आ गया भाई टिक्का बोटी, इसमें चिकन टिक्का बोटी है, ठीक है, देखो बिल्कुल फ्रेश तैयार हो गया है। इसके साथ इन्होंने दी हमें पुदीने की चटनी और दही की चटनी, ठीक है, और साथ में लेमन दिया जिसके ऊपर निचोड़ा जाता है। ये जो इनकी स्पेशल रोटी है ना ये वाली, ठीक है, ये आपको बड़ी कम जगह में मिलेगी इस तरह रोटी, ये देखिए ये चावल की रोटी है, ठीक है, और ये इंडिया का जो स्पेशली केरला वाले लोग हैं ना, ये वो लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं जो बीफ मसाला, आई विल टेस्ट ऑल्सो, ये देखिए साथ में सबसे पहले हमने लिया बीफ और रोटी जो है ना ये चावल की रोटी है, ठीक है, इसके साथ टेस्ट करते हैं। इनके पास रोटी में काफ़ी सारे ऑप्शन है, देखें ये लच्छा पराठा, यार ये बड़ा कमाल का लगा हुआ है, ओए हो, ठीक है, तो लच्छे पराठे के साथ जो है ना वो भी टेस्ट करते हैं बीफ को। ये थोड़ा सा बीफ लिया, पराठे के साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। ये भाई चिकन टिक्का बोटी, ठीक है, इसको इस तरह से एक उतारा जाए, ओए होए होए, और फिर जो है ना जो इन्होंने स्पेशल हमें पुदीने की चटनी दी है ना उसमें थोड़ा सा डुबोया जाए इस तरह करके और ऐसे टेस्ट किया जाए। जी हम ये स्पाइसी है यार, हम ये वाली स्पाइसी है, मज़ा आ गया भाई खाना खाने का। अभी आ गया अभी नंबर फाइनली बिरयानी का, तो बिरयानी की वजह से ये बहुत मशहूर है केरला वाले जिनका हम फूड टेस्ट कर रहे हैं ना, तो मटन बिरयानी हमने मंगवाई थी, ये देखिए मटन तो भी अंदर, ख़जाना तो अंदर छुपा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर रायता डाला जाए, ठीक है, इस तरह से, और फिर इस तरह से लिया जाए थोड़ा सा मटन और ऐसे करके, ये देखिए अहमद भाई बीफ मसाला खाया और बारबेक्यू में हमने खाया टिक्का बोटी, राइट जी, लेकिन बिरयानी का टेस्ट जो है ना उन दोनों से ज़्यादा है,
माशाल्लाह बिरयानी अच्छी बनी हुई है, नो डाउट। पी मसाला भी ठीक था और जो टिक्का बोटी वो भी ठीक था, ठीक बनाया हुआ, लेकिन ये उन दोनों से अच्छा है बिरयानी।